हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। इन दैट वी विल लर्न वन बाय वन टोटल सॉलिड्स, पीएच, अल्कलिनिटी, हार्डनेस एंड प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स टॉपिक वी विल लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, व्हाट इज डीओ दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड अबाउट कॉपर, आयरन एंड दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, दैट इज टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स हम लोग आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी जार ले लेते हैं और उसका वेट कर लेते हैं, उसको W1, ये टोटल सॉलिड्स फाइंड आउट करने का मेथड है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर उस जाल में VML, लेट्स से VML ऑफ वाटर सैंपल इसमें डालेंगे, पोर करेंगे इनसाइड दिस जार एट 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 टू 6 आवर्स। एंड आफ्टर दैट, इतना डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करने के बाद ये जो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद ये जो कुछ पार्टिकल्स इसमें बचेंगे जार के अंदर, माइन्यूट पार्टिकल्स या फिर आप उसको इम्प्यूरिटीज़ भी कह सकते हैं, उसको उसका फिर वेट ले लेंगे, डैट इज़ W2। इस तरीके से हम लोगों को टोटल सॉलिड्स मिल जाएगा, डैट इज़ W2 दिस वेट माइनस W1 डैट इज़ एम्प्टी वेट डिवाइडेड बाई VML ऑफ वाटर सैंपल, जो हम लोगों ने जितना ML डाला था, लेट्स से इन दिस अज्यूम VML हम लोगों ने पानी को इसमें डाला था, डिवाइड बाय V कर देंगे तो ये mg पर लीटर में या फिर पार्ट्स पर मिलियन ppm में आएगा। ये टोटल सॉलिड्स इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एक फार्मूला और होता है टोटल सॉलिड्स को निकालने के लिए, टोटल सॉलिड्स इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा माइंड में रखिए, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, टोटल सॉलिड्स इज इक्वल्स टू सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स। फ्रेंड्स, यू कैन मेक योर ओन नोट्स और यू कैन मेक योर नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीडियो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस पार्टिकुलर टॉपिक, दैट इज केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट दिस टोटल सॉलिड्स। हेयर वी कैन सी दिस फिगर, लुक एट दिस फिगर, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये फिल्टर पेपर है हमारा, फिल्टर पेपर है और VML ऑफ वाटर सैंपल यहाँ पे हम लोग इसमें डाल रहे हैं, ऊपर पोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर हम लोग W1 कंसिडर कर लेंगे एंड आफ्टर ड्राइंग, सुखाने के बाद वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होगा इसमें, उसको हम लोग बोलेंगे W2, लेट्स अज्यूम एज W2। और यहाँ से हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स कैसे निकल के आएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई VML ऑफ वाटर, जितना हमने इस फिल्टर पेपर पे पोर किया था। आई होप ये बहुत ईजी है और क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिजॉल्व सॉलिड्स कैसे निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक डिजॉल्व सॉलिड्स निकालने के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं कि डिजॉल्व सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल सॉलिड्स माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स। फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट टोटल सॉलिड्स इज इक्वल्स टू सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजॉल्व सॉलिड्स। हैंस इफ वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिजॉल्व सॉलिड्स, देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट टोटल सॉलिड्स माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स, लाइक दिस यू विल गेट डिजॉल्व सॉलिड्स। One more, the point to be noted here is, as per IS, that is Indian standard, permissible limit of total dissolved solids is 500 to 1000 ppm. So, दोस्तों, ये था कुछ important point regarding total solids। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं next हमारा जो टॉपिक है केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर में, वो pH है। आप इसके नोट डाउन भी साथ ही साथ कीजिए, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू लर्न pH। pH इज़ वेरी बेसिक टर्म, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फैमिलियर विथ दिस पार्टिकुलर pH इन आवर केमिस्ट्री लैब इन 10+2 एज वेल एज इन आवर इंजीनियरिंग, वी ऑल हैव कम अक्रॉस दिस pH। सो pH का फॉर्मूला बहुत बेसिक है, आप सब जानते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 H+ आयन। देखिए, बहुत ही जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग इसमें प्री वाइक्यूज भी गेट के सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक अप्रोच से अब जाएंगे, नोट्स बनाते हुए जाएंगे, दूसरों के नोट्स पर रिलाई मत कीजिए प्लीज़, इट्स रिकमेंडेड टू मेक योर ओन नोट्स, यू कैन मेक योर नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो, इट्स बेस्ड ऑन योर चॉइस व्हाट यू विल डू।
प्लीज़ कंसनट्रेट हियर, पी ओ एच, डैट इज़ पी ओ एच कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग बेस 10 ओ एच माइनस आयन्स। देखिए परमिसिबल लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एच का परमिसिबल लिमिट 6.5 से 8.5 होता है, आप इसको 6.6 टू 8.5 भी कर सकते हैं कंसिडर, 6.5 टू 8.5 होता है। देखिए एच प्लस आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है इन मोल्स पर लीटर, एंड ओ एच माइनस क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। आई होप ये एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डैट इज़ पी एच प्लस पी ऑफ एच इज इक्वल्स टू 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सीवरल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट है, देखिए H प्लस आयन और OH माइनस आयन का प्रोडक्ट क्या होता है, 10^-14। सो ये चार फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और पीएच से कोई भी प्रॉब्लम अगर गेट एग्जाम में आता है आपके, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप जाइए PYQ उठाइए और वहाँ से सॉल्व करके देखिए, आपके इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पीएच को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक है एसिडिटी और दूसरा है एल्कलिनिटी। देखिए दो प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर सकता है पीएच। अगर पीएच लेस देन 4 है तो इसका टेस्ट सोर आएगा, और पीएच अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो बिटर टेस्ट आएगा। ये तो ही एक बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीएच को मेज़र कैसे करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा पीएच इज़ मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पीएच को मेज़र किया जाता है पोटेंशियोमीटर से। और ये रेंज भी आप जानते होंगे, 0 से 14 इसका रेंज है, 7 जो है हमारा वो न्यूट्रल हो जाता है, और 0 से 7 को हम लोग एसिडिक बोलेंगे, 7 इज़ द न्यूट्रल, एंड 7 to 14 जो रेंज होगा वो हम लोग बेसिक इन नेचर बोलते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एक बार और रिमाइंड हो गया होगा, ब्रशअप हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आई होप सो। अगर H प्लस आयन इंक्रीज करेगा, एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, सपोज दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन is increasing, that is H plus ion is increasing, then pH is decreasing। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। और प्रीवियसली बहुत सारे एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग के लाइक डिफरेंट स्टेट AEJEE एग्जाम्स में इवन इसरो हैज आस्क्ड दिस टाइप ऑफ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो यू हैव टू मेक ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपके क्लियर होने चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा एडवांस पढ़ने के चक्कर में हम बेसिक भूल जाते हैं, वहाँ पे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। सो कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बेसिक कवर किया जाएगा। अगर आप इन्वायरमेंट में ज़ीरो हैं तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रॉम ज़ीरो लेवल टू नेक्स्ट लेवल यहाँ पे नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। अगर आप गेट के एस्पिरेंट्स हैं तो यहाँ पे जो मेजर और मोस्ट सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनके रिवीजन नोट्स, वीडियो नोट्स, और साथ ही साथ हम उसमें PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर पीएच या फिर वाटर जो है एसिडिक होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर एसिडिक होगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर करोजन ऑफ पाइपलाइंस भी हो सकता है। अच्छा, अब पीएच के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे लैब में, आपको याद होगा कि इंडिकेटर यूज़ किया जाता था, दो इंडिकेटर यूज़ किया जाता था, एक का नाम था मिथाइल ऑरेंज और दूसरे का नाम था फिनोल्फथैलीन। तो मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है जो लैब में यूज़ होता है टू डिटरमाइन पीएच ऑफ वाटर, तो उसका पीएच रेंज क्या है, और फिनोल्फथैलीन का पीएच रेंज क्या होता है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर का कलर क्या होता है, फाइनल कलर प्रोड्यूस क्या होता है, ये सब हम एक टेबल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्कलिनिटी भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसका पीएच रेंज होता है 2.8 से 4.4, और उसी तरीके से जो अपना ओरिजिनल कलर ऑफ इंडिकेटर होता है वो रेड होता है मिथाइल ऑरेंज का, और फाइनल कलर जो प्रोड्यूस होता है वो होता है येलो। इसमें फिनोल्फथैलीन एक और इंडिकेटर है जो कि आपका रेंज देख सकते हैं पीएच रेंज में कौन से काम करता है, 8.6 से 10.3। ओरिजिनल कलर ऑफ इंडिकेटर येलो होता है और फाइनल कलर जो प्रोड्यूस होता है वो रेड होता है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए अल्कलिनिटी टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टॉपिक पे गेट एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयन्स इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज
Here the term neutralize hydrogen ions H plus, that is very important. Alkalinity is defined as quantity of ions in water that will react to neutralize hydrogen ions, that is H plus ions. Alkalinity is thus a measure of the ability of water to neutralize acids. देखिए इस तरीके से आप conceptual videos में आप समझ सकते हैं. Concept clear करने के बाद definitely PYQs के जो भी problems basic आए हुए हैं वो आपके एकदम आसानी से PYQ लग जाएगा आपका. First thing is you have to watch the video, entire video बिना skip किए आप वॉच कीजिए. डेफिनेटली ये एजुकेशनल वीडियोस होती हैं चैनल पे और एग्जाम के प्रिपरेशन की हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए. सो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमको और इसी तरीके से हम लोग मिलके आगे ग्रो कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा. आइए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अल्कलिनिटी हम लोग डिस्कस करते हैं. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स इफ यू डोंट हैव एनी नोट्स. अल्कलिनिटी इज कॉज्ड बाय CO3 2 minus, that is देखिए कार्बोनेट आयन इज कॉल्ड कार्बोनेट अल्कलिनिटी. अल्कलिनिटी अगर कार्बोनेट आयन्स के द्वारा काउज होती है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोनेट अल्कलिनिटी. एंड अल्कलिनिटी काउज्ड बाय कार्बोनेट आयन. HCO3 minus को क्या बोलते हैं हम लोग, बाय कार्बोनेट बोलते हैं. तो अल्कलिनिटी काउज्ड बाय HCO3 minus इज कॉल्ड बाय कार्बोनेट अल्कलिनिटी. अल्कलिनिटी काउज्ड बाय OH minus इज कॉल्ड कॉस्टिक अल्कलिनिटी. अल्कलिनिटी काउज्ड बाय OH minus इज कॉल्ड कॉस्टिक अल्कलिनिटी. आई होप ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट इन योर ओन नोटबुक. देखिए द अदर माइनर सोर्स ऑफ अल्कलिनिटी आर HSiO3 minus, HBO, बोरोन वाला टर्म आ गया, सिलिकॉन वाला टर्म आ गया. यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़िए. आइए और हम लोग इसमें फर्दर देखते हैं. अल्कलिनिटी इन वाटर कम्स ड्यू टू मिनरल्स और इट मे बी प्रोड्यूस ड्यू टू एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड इन वाटर और ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है कि अल्कलिनिटी जो वाटर में आती है वो मिनरल्स के कारण भी आ सकती है या फिर जो एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर वो मिक्स हो जाती है वाटर में या फिर ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे कारण हो सकते हैं अल्कलिनिटी आने के. आइए कुछ रिएक्शंस, बेसिक रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस अल्कलिनिटी में जो कि इंपॉर्टेंट है. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2O, CO2 प्लस H2O जो वाटर का हमारा एक केमिकल फार्मूला होता है, तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, H2CO3 बन गया. अब H2CO3 में H प्लस आयन और हुआ तो HCO3 माइनस हो गया, यहाँ पे बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी हो गया. HCO3 माइनस ये फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो यहाँ से कार्बोनेट अल्कलिनिटी मिल गया. और फिर CO3 2 माइनस जो यहाँ से कार्बोनेट अल्कलिनिटी मिला था वो फिर से H2O से अगर रिएक्ट करेगा तो HCO3 माइनस प्लस OH माइनस जो दे देगा ना कंपाउंड, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिक अल्कलिनिटी. ये तीन टाइप की अल्कलिनिटी आप समझ गए होंगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक अल्कलिनिटी. यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट के इसमें हिसाब से भी हम लोगों ने इसमें लिख दिया था, आप यहाँ से भी समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्कलिनिटी को एक्सप्रेस किस में किया जाता है. तो प्लीज़ नोट डाउन, अल्कलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3. Alkalinity is expressed in terms of equivalent of CaCO3. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट वेरी बेसिक हम लोग शुरू से प्लस टू में भी पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता था. प्लीज़ रिकॉल इट, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये आप नोट कर सकते हैं. इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. अच्छा टोटल अल्कलिनिटी अगर निकालने के लिए प्रॉब्लम में पूछेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, टोटल अल्कलिनिटी mg पर लीटर एस CaCO3 में कैसे निकालेंगे, 200 mg पर लीटर जो है इसकी अल्कलिनिटी की एसेप्टेबल लिमिट है, 200 mg पर लीटर एसेप्टेबल लिमिट है और 600 mg पर लीटर काउज फॉर रिजेक्शन है. अगर पानी में अल्कलिनिटी, वाटर में अल्कलिनिटी 600 mg पर लीटर हो गया तो फिर हम लोग ऐसे वाटर को रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट किया जाता है. और इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है 200 mg पर लीटर. होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. यहाँ पे आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट जैसे CaCO3 हो गया, आपको कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका कॉस्टिक आयन जो है OH माइनस आयन है, इस हिसाब से इसके जो इक्विवेलेंट वेट हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन करा सकते हैं, आप यहाँ से समझ भी सकते हैं. देखिए कैसे निकालना है,
यहाँ से देखिए, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का हो गया 40 प्लस कार्बन, कार्बन का हो गया 12 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है हम लोग को, यहाँ से आया 100 बाय 2 डेट इज़ 50, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डेट इज़ CaCO3 इज इक्वल्स टू 50, ये आपको पता चल गया। इसी तरीके से हम लोग CO3 माइनस माइनस डेट इज़ 2 माइनस का भी निकालेंगे, तो यहाँ से 30 आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आता है 61, और इसी तरीके से OH माइनस का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपको 17। आई थिंक ये क्लियर हो गया, इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा, इसके अराउंड ही प्रॉब्लम्स बनेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये CO3 2 माइनस 30, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस 61, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 17। आई होप दिस पॉइंट यू गॉट इट, ये कैसे निकाला यहाँ आपको समझा दिया, और ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कोई भी समस्या नहीं आए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कलिनिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर, देखिए कैसे निकालेंगे mg पर लीटर में। कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन डेट इज mg पर लीटर में मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस। अब देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ जो कार्बोनेट आयन्स दिया हुआ होगा वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम में मिल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अभी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को पता है 50 होता है, 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये CO3 2 माइनस 30 होता है, इस तरीके से प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो कि प्रॉब्लम में दिया रहेगा mg पर लीटर में मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये भी आपको दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो कि 50 होता है अभी हमने देखा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस डेट इज 17। आई होप इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एल्कलिनिटी एक्सप्रेस करने का इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इन mg पर लीटर। इस तरीके से यूनिट्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स ईजी होते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा यूनिट्स के साथ खेलना पड़ता है, तो यहाँ पे यूनिट्स ध्यान रखिएगा, mg पर लीटर में होना चाहिए, डेट इज ppm में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला आपका एज इट इज फिट हो जाएगा। अब वेरी इजिली बस डायरेक्ट कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा। एक और छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है जो डिस्कस कर लेना चाहिए, वो है लैब टेस्ट फॉर एल्कलिनिटी। देखिए लैब टेस्ट कैसे करते हैं एल्कलिनिटी के लिए, तो नॉर्मली हम लोग लैब में क्या करते थे, प्लीज़ रिकॉल, एक हमारा छोटा सा वाटर सैंपल ले लेते थे हम लोग, प्लस उसमें इंडिकेटर डालते थे, फिनॉल फैलिन डालते थे या फिर मिथाइल ऑरेंज डालते थे एल्कलिनिटी निकालने के लिए, और ऊपर में हमारा पिपेट रहता था, पिपेट में क्या डालते थे 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 डालते थे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे ना, 1 ml ऑफ 0.02 H2SO4 न्यूट्रलाइजेज 1 mg ऑफ एल्कलिनिटी एज CaCO3, ये इसका लैब में टेस्ट करते थे, जो एल्कलिनिटी का टेस्ट होता था वो प्रिंसिपल होता था उसके बेस पे। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि एल्कलिनिटी में जो इंडिकेटर यूज़ होते हैं वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि फिनॉल फैलिन इंडिकेटर यूज़ होता है और दूसरा वाला इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है। फिनॉल फैलिन बेसिक इंडिकेटर है, वेयर मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक एसिड इंडिकेटर। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फर्दर मूव करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एल्कलिनिटी स्पेसीज आर pH डिपेंडेंट। ये एक चीज़ है, देखिए एल्कलिनिटी की जो स्पेसीज हैं वो pH डिपेंडेंट होती हैं, मतलब सर्टेन pH रेंज में काम करती हैं, तो ये ये ग्राफ आपको इस तरीके से समझना होगा कि ये हमारा pH है y एक्सिस पे और ये हमारा ml ऑफ टाइट्रेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये 4.5 सर्टेन pH वैल्यू है और 8.3 ये भी एक सर्टेन pH वैल्यू है। यहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा रिएक्शन पहले समझिए, OH माइनस प्लस H प्लस आयन मिला तो H2O हो गया आपका, फिर कार्बोनेट आयन यहाँ पे प्लस H प्लस के साथ हुआ तो बाइकार्बोनेट बना दिया, फिर बाइकार्बोनेट H प्लस आयन के साथ हुआ तो H2CO3 बन गया यहाँ पे। अब इस फिगर को समझने के लिए समझिए कि देखिए कन्वर्सन ऑफ कार्बोनेट आयन टू बाइकार्बोनेट आयन इज कम्प्लीट एट pH 8.3। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करना है कि जब भी कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका pH रेंज होना चाहिए 8.3, ये ग्राफ से आप देख सकते हैं। बट रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट ऑल्सो रिक्वायर्स एसिड, रिजल्टेंट जो होता है वो भी स्टेबल नहीं होता, उसको फिर से एसिड चाहिए, तो H+ आयन से फिर से करेगा और हेंस हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन इज थॉट टू हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड अप टू pH 8.3। तो यहाँ पे हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हो जाता है अप टू pH 8.3। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH- इज कंप्लीटेड अप टू pH 8.3, OH-
माइनस का भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है अप टू 8.3 पीएच, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्कलिनिटी इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज अप टू पीएच 8.3। अब देखिए एट पीएच 4.5, ये तो हुई एक बात आपकी 8.3 वाली, लेकिन आपकी 4.5 पे क्या क्या घटना घट रही है इसको भी समझिए, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए एट पीएच 4.5 ऑल बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड, एट पीएच 4.5 ऑल बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड। एट पीएच 4.5 क्या हो रहा है कि जितनी भी बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी है दैट इज HCO3 वाली, हाफ यहाँ न्यूट्रलाइज हो गई थी, ऑब्वियसली हाफ यहाँ पे बचेगी, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोनिक एसिड में। जो ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी देखा था ना, HCO3- में फिर हाइड्रोजन आयन मिला तो H2CO3 बना दिया, और H2CO3 का फुल फॉर्म मतलब उसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट था, ये 8.3 4.5 पे आपको बस जस्ट याद रखना है। अब देखिए एक दो पॉइंट हैं, ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा एम पॉइंट है। अब देखिए पी इज इक्वल्स टू एम, अगर पी इज इक्वल्स टू एम होगा तो ऑल अल्कलिनिटी इज कॉस्टिक अल्कलिनिटी, ये एक हमको याद रखना है इस तरीके से। और पी इज लेस देन एम बाई टू अगर होगा तो प्री डोमिनेंट स्पेसीज आर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, अगर पी इज ग्रेटर देन एम बाई टू हो गया तो प्री डोमिनेंट स्पेसीज आर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, अगर P इक्वल टू एम बाई टू हो गया तो अल्कलिनिटी इज कार्बोनेट अल्कलिनिटी हो जाएगी, और अगर P इक्वल टू जीरो हो गया, सपोज डैट P इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर क्या हो गया, P इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो अल्कलिनिटी इज बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। P समझ रहे हैं ना आप लोग, P से हमारा फिनोल्फथैलीन है जो कि एक बेसिक इंडिकेटर है, और M जो है वो हमारा मिथाइल ऑरेंज है डैट इज एसिड इंडिकेटर, यही तो हमारा टाइट्रेंड था। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ PYQ प्रीवियस ईयर गेट में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ वर्कबुक के क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, इसलिए अभी कहीं मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो डेफिनेटली लंबा है, बहुत इंफॉर्मेटिव तो है, आपके काम की है वीडियो, इसलिए आप इसमें बने रहिए आखिरी तक, लास्ट तक हमारे साथ, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एज मिलेगा ओवर अदर एस्पिरेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू प्रॉब्लम्स। ओके सो फ्रेंड्स, हेयर इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डैट इज वर्कबुक क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ प्रीवियसली क्वेश्चन, यहाँ पे जनरली ज़्यादातर वर्कबुक में डाले जाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए ए ग्राउंड वाटर सैंपल वॉज फाउंड टू कंटेन 500 mg पर लीटर टोटल डिजॉल्व सॉलिड डैट इज TDS, TDS इन परसेंटेज प्रेजेंट इन द सैंपल इज। अब देखिए ग्राउंड वाटर सैंपल में क्या है, फाउंड टू कंटेन 500 mg पर लीटर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स 500 mg पर लीटर है किसी भी ग्राउंड वाटर में। अब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन परसेंटेज पूछ रहा है, प्रेजेंट कितना है सैंपल में। हम लोग बेसिक जो टर्म है वो जहाँ पे जरा सा रिवाइज कर लेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg डैट इज 1000 grams होता है जनरली। अब 500 mg पर लीटर आया है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3 करेंगे तो ये ग्राम्स में आ जाएगा, ये मिलीग्राम्स में था, दैट इज 500 को डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो उसी को मल्टीप्लाइड किया 10^-3, तो ये ग्राम में आ गया, डिवाइडेड बाय फिर लीटर्स, मतलब क्या है लीटर्स को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा देखिए क्या हो गया, ग्राम ग्राम यूनिट कट गया यहाँ से, 500 हो गया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 चूँकि परसेंटेज में निकालना था। अब देखिए ऊपर में क्या बच रहा है आपका, ऊपर में बच रहा है आपका 100, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 बच रहा है, और नीचे आपका बच रहा है 2 × 1000, इस तरीके से 1/20 आएगा और इसका परसेंटेज होगा 0.05%। जस्ट यूनिट का खेल है यहाँ पे, यूनिट कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए तो आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए फर्दर मूव करते हैं आगे और दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए ये प्रॉब्लम कैसा है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि pH of A is 6 है और pH of B 8 है। अगर pH of A 6 है और pH of B 8 है तो पूछा जा रहा है कि what is the pH, mean pH, मीन पीएच पर निकालने बोल रहा है, मतलब ए और बी का जो मीन होगा या एवरेज पीएच होगा वो कैसे होगा। तो डायरेक्ट हम लोग 6+8/2 करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोगों को समझना होगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के जरिए जाइए, ये क्वेश्चन के जरिए आपको के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहा है और आपके प्रॉब्लम भी अगर इस टाइप का आता है तो डेफिनेटली आप उसे एबल होंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को करना है, एकदम बेसिक से शुरू कीजिए और एडवांस लेवल तक जाइए। देखिए पीएच ऑफ ए,
दिया हुआ है हमारा 6, तो पी एच ऑफ ए का फॉर्मूला लगा दिए। पी एच की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयंस, तो ए के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने हर जगह ए लगा दिया। पी एच ऑफ ए दिया हुआ था 6 माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयंस, यहाँ से माइनस 6 इधर हो गया, लॉग आपका 10 बचा। इस तरीके से आपका एच ए जो एच प्लस आयंस की क्या वैल्यू है, 10^-6, जब लॉग आप हटाएंगे 10^-6 हो जाएगा, ये आपका एच प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन यहाँ से निकल गया। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला पी एच ऑफ बी के लिए लगाइए और आपको एच प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन बी वाला 10^-8 आपको मिल जाएगा। अब एच प्लस जो आपको बोल रहा था, व्हाट इज द पी एच ऑफ मीन, पी एच मीन, एच प्लस मीन पूछ रहा था, तो एच प्लस मीन कैसे निकालेंगे, एच ए प्लस और एच बी प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 10^-6 प्लस 10^-8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहां से हम लोग 10^-6 कॉमन ले लेंगे, यहां 1 हो जाएगा, यह 10^-2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से एच प्लस मीन की जो आएगी, एच प्लस मीन पहले हम लोग को निकालना होगा, एच प्लस मीन यहां से क्या आएगा कैलकुलेट आप कीजिए, 5.05 × 10^-7 आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब पी एच मीन कैसे निकालेंगे, पी एच ऑफ मीन के लिए सेम फॉर्मूला लगाइए, माइनस लॉग 10 लॉग बेस 10 एच प्लस आयन होता था, अब एच मीन जो हम लोगों ने निकाला ना यहाँ, वही फॉर उसको पुट कर दीजिएगा और पी एच ऑफ मीन निकल जाएगा। आंसर यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, आपको नीचे कमेंट करना है वीडियो में कि आपको वीडियो प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया। पी एच ऑफ मीन आ जाएगा 6.296, इसका आंसर 6.296 है। आप कैलकुलेशन को कैलकुलेट कीजिए, ऑपरेट कीजिए, हो सके तो डिजिटल कैलकुलेटर जो गेट में आता है उसको ही यूज़ कीजिएगा, जो मैनुअल वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज कीजिएगा, मैनुअल वाला यूज नहीं कीजिएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम। दोस्तों आपके साथ लाया हूं एक और प्रॉब्लम, देखिए गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है ये। पी एच ऑफ ए दिया हुआ है 4.4, पी एच ऑफ बी दिया हुआ है 6.4। अब पूछा जा रहा है कि सैंपल ए जो है, ये सैंपल ए का पीएच था 4.4, सैंपल बी का पीएच था 6.4। अब पूछा जा रहा है कि सैंपल ए मोर एसिडिक दैन सैंपल बी, क्या सैंपल ए मोर एसिडिक है सैंपल बी से, कितना मोर एसिडिक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, लाइक वाइज ये सैंपल ए कितना परसेंट एसिडिक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, जब आपको अप्रोच पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिए सॉल्व करते हैं, पी एच ऑफ ए दिया है 4.4, आप पी एच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन हो गया आपका, यहाँ से आप एच प्लस आयन से यहाँ से निकाल दिए 10^-4.4। ये तो बिल्कुल ईजी है, आप समझ रहे होंगे सभी लोग। पी एच ऑफ बी भी दिया था 6.4, यहाँ से सेम फॉर्मूला लगाया, पी एच माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयंस का, यहाँ से आपको एच पी जो एच प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन बी सैंपल के लिए था वो भी निकल के आ गया 10^-6.4। अब देखिए H प्लस आयंस जो A वाला है डिवाइड कर दीजिए H प्लस आयंस B वाले से, तो 10^-4.4 10^-6, तो इस तरीके से 10^-4.4 प्लस 6.4 तो आपका आएगा 10^2। 10^2 क्या होता है, 100 होता है, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए H प्लस आयंस जो है ए सैंपल का, वो क्या हो गया 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे करके आया कि 100 टाइम्स मोर एसिडिक दैन H प्लस आयंस B का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि सैंपल A इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक दैन सैंपल बी। आई होप इस तरीके से आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम सारे PYQs सारे नोट्स शेयर करेंगे आपके साथ वीडियो के माध्यम से, और आपके PYQs भी सॉल्व करेंगे और आपको आसानी से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे इस छोटे से इनिशिएटिव को, इसका इनिशिएटिव का मेन एम यही है कि जो लोगों ने कोर्स नहीं लिया है फुल टाइम वो लोग इससे बेनिफिट उठा सकें, और या फिर जो जस्ट गेट देने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट, तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियोस से रिवीजन कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, आपको डेफिनेटली एक रास्ता मिलता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं भी कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए एक और प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि OH माइनस, ईजी भी है, OH माइनस का कंसेंट्रेशन दे दिया है 10^-5.6 मिली मोल पर लीटर दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट में थोड़ा चेंजिंग कर दिया है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कोई दम नहीं है। आइए पीएच पूछ रहा है, इसका पीएच क्या होगा,
देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे, ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन दिया है 10^-5.6, लेकिन मिली मोल दिया है तो इसको हम लोग को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10^-3 से। यहाँ से ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन आपको मिल जाएगा 10^-8.6। अच्छा अब देखिए एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था आज, पी ओ एच का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग बेस 10 ओ एच माइनस होता है, यही फॉर्मूला लगाइए, माइनस लॉग बेस 10^-6 डालिए, ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन आपने निकाल रखा है, यहां से P of H निकल गया 8.6। अब फॉर्मूला लगा दीजिए ना, बहुत वो इजी वाला फॉर्मूला जो था, pH plus P of H जो होता 14 होता है, यहां से pH की वैल्यू 14-P of H यानी pH की वैल्यू निकल जाएगी 5.4। ये तरीका है एकदम आसानी से बनाने का। देखिए दोस्तों एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था उसके थ्रू भी बना सकते हैं। देखिए यहां पे मल्टी मेथड भी बताया जा रहा है अप्रोच, ताकि आपको एक नहीं बहुत सारे तरीके पता हों कि अगर प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं बन रहा है या ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं एमसीक्यूज़ में, तो आप और दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा, यही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम। H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट क्या होता था, 10^-14 होता था। यहाँ देखिए H प्लस को हम लोग 10^14 डिवाइड बाय OH माइनस कर सकते हैं, 10^-14, और ये H प्लस OH माइनस का आपने जो कन्वर्स करके निकाला था 10^-8.6, यहाँ से H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आ गया 10^-5.4। pH का फॉर्मूला लगाइए, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, यहाँ से आपको फॉर्मूला में पुट कीजिए, pH की वैल्यू 5.4 आएगी। इस तरीके से आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन इसी तरीके से बूस्ट होगा। हमारे इस छोटे से इनिशिएटिव को, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ा हमारा हौसला बढ़ाइए, हम भी मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस अपलोड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पीएच और अल्कलिनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको समझा, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो आपके डेफिनेटली आपका रिवीजन हो गया होगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जामिनेशन में, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ रिवाइज करना, ये दो चीज़ है जो आपको स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम अदर्स। तो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब हम लोग केमिकल जो पैरामीटर्स ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आने वाले समय में हम लोग बायोलॉजी पैरामीटर्स ऑफ वाटर भी डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम लोग यूनिट्स बाय यूनिट आगे पढ़ते जाएंगे। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हार्डनेस पढ़ेंगे, जो कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए आप लोगों ने को हमने जो यहाँ पे आज प्रॉब्लम्स भी करवाए हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने किए होंगे, जो गेट के आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्कबुक के प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी मैंने करवा दिए हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है हार्डनेस, उससे बहुत प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। चैनल पे आप अगर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और आपको अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं हमारी एफर्ट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए थम्स अप दीजिए, और हमें ज़रूर उससे और ज़्यादा बल मिलेगा कि हम इसी तरीके से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस गेट एग्ज़ाम के लिए, गेट एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स ही प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्रिपेयर करते रहिए, जान लगा दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।